जो मेरी बोली लगे जिन भाग पूर्व ना होई, पूर्व जन्म का कोई संस्कारी भाई बहन है कोई संतों की वाणी भाषा को समझता है, हर एक लोग नहीं। राजा संत की भाषा को समझ नहीं पाया, प्रार्थना करने लगे, पूछने लगे, मैं आप क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। रात्रि की कुछ समय हमारे जैसे कैसे बीती और कुछ रात्रि के समय हमारे से अच्छी कैसे। महात्मा कहने लगे, राजन तुम मेल में गदा लगा करके सोट लगा कर सिर पर सोया, मैं इस दीवार की ओट में धूल में सोया, जो नींद की जो समय है हमारी तुम्हारी दोनों की समान है। राजन बोले तुम सिर पर सोया, बोले मैं दीवार की ओट में धूल में सोया, नींद की दोनों की अपनी समय है, बराबर समान है। हे राजन तुम मेल में गदा लगा करके सोट लगा कर सोया, रात्रि पर सोया रहा, मिस दीवार की ओट में धूल में सोया, सर्दी लगी, ठंड लगी, सर्दी के लिए रक्षा के लिए हमारे पास विशेष वस्त्र नहीं, ठंड लगी तो नींद टूट के मैं जाग गया, जाग करके मैंने परमात्मा का भजन किया, उस समय हमारी तुम्हारे से अच्छी बीती है। जो दिन जाए भजन के लेख है, सो दिन आशी के उस समय परमात्मा को दो भाई बहनों संध्या वंदना है, निमित्त भजन शुरू करो, जितना समय मिले उतना भी। शाम सवेरे जब देखो किसान भाई बहन हो, निश्चित तो इस समय नहीं हो सकती, नहीं कर सकते। जब आप इसी समय कितने बजे सोने के लिए जाते हो तो जाकर के सोने जाओ, थोड़ा सा बैठ करके भजन करो, सासु सासु मन करो, फिर आराम करो, तो आराम करते करते राम राम करते सो, तो आपकी नींद भी योग निंद्रा हो जाए, नींद भी भजन हो जाए, अभ्यास है भाई, अभ्यास नींद में भी भजन सुन होते रहे, उनको योग निद्रा कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जागन से सोना मिला, जो कोई जाने सोई, अंतर लिव लागे से जाही सोने ना हो। जब सोने के लिए जाते हो आप सोनो नेम है, और निवारण कल्याण करी मुक्ति मोक्ष की बारी है, सतल योग लोग की और अपने गति दे होने, जितने समय मिले उतना है। सवेरे उड़ते हो कितनी बजे उठो, उड़ते वहीं बैठ जाओ, इन दोनों सांसों से भजन करो, सांसों को भजन ऐसा है, वाणी में साधन करने वाला साधक कल्याण नहीं चाहे फिर भी वो भजन को कल्याण कर दे, इस भजन ऐसा प्रभाव है सांसों को।
पानी में उदान दियो है गलत पासे ले रोक पर तेरियो पर गोलक में भी सखा गला में फांसी गलवा रोकड़ा बेटे दिया है मरने वास्ते और पासे खंची जे सांस घुटे अब ऊपर वे पासे मैं मरनो नहीं चाहूँ पासे के तुम तो मरनो कौन सा मरनो के गला में क्या निकाल रहा था नारी छोड़ गोलक में भी सखा है अज्ञान में अनजान में जेल खाई ले रहे शरीर में व्याधि वे कष्ट वे और आपके विष में तो तुम अनजान में खाए हो मैं मरनो नहीं चाहूँ विष के तुम तो मरनो नहीं चाहो तो मन खाओगे मैं तुम मारी छोड़ो ऐसो भजन है सासु सास को सास सास की साधना करने वाला साधक ने हम कल्याण नहीं चाहते हैं फिर ये साधना के तुम्हें तुम्हारा कल्याण करके छोड़ेंगे सीखो ये साधना सीखो गुरु महाराज के संग जाकर के सासों के भगवान हम बाहर में राम 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 कहते हैं इनको भजन नहीं कहते हैं इनको वाणी में जप कहते हैं एक सांस से राम राम करते हैं क्योंकि भजन है भैया जप कहलाता है जप फल प्रदान करता है जब तक संजम काया खसनी साके योग व्रत गाना इनसे नहीं ब्रह्म से मेरा गुण है इन दोनों सांसों सवेरे उड़ते ही जितना आपको समय मिले उतने बैठ करके भजन कर फिर दूसरा अपना कार्य करो दिन भर जो काम करोगे उनमें कोई विघ्न नहीं होगा कोई विक्षेप नहीं होगा आपका अच्छा कार्य होगा नाम का सो प्रताप है नाम ले है तीनों ग्रह टले भजन कर दे जग जीवन जपा जपे सभी विघ्न और राम जो नाम को सो प्रताप है नौ ग्रह है तीनों भी बढ़ने चाहे जोड़ने चाहे नाम रहे तो नौ करे न सवेरे उड़ते ही तो वो नेम हम सरल है सबसे सस्ता है उसको जान देना कोई भी ये नेम सा सकते हैं समय की कोई पाबंदी नहीं है कि इतनी इतनी बजाई नहीं जब सोते उसी समय जब उड़ते उसी समय सोने तो कभी कभी जाते हो ना सोते बैठ बैठ कर थोड़ा भजन करो फिर आराम करो आराम करो फिर राम राम करता करता तो नींद लो नींद में जाओ सुसुप्ति में जाओ तो उठे यहाँ पर भजन हो तो रही जब जागो तो उठे ही इस नाम को सुमन में लग जाओ फिर तो दूसरा अपना कार्य कर्म करो बहुत अच्छा होगा कुछ समय दो परमात्मा को कुछ समय दो गुरु महाराज को संतों को हम भजन में बैठते हैं उस समय राम जी महाराज को बुद्धि मानी जाती है हम सत्संग में बैठते हैं उस समय गुरु महाराज को संतों को बुद्धि मानी जाती है दूसरा संसारी काम काज कारोबार प्रबंध पसारा करते हो उस समय जगत को बुद्धि मानी जाती है उनका कोई अर्थ नहीं है हम भजन स्वयं करते हैं इसी समय की विशेषता है कोई समय अपने जीवन की विशेष बड़ा सुंदर प्रसंग है।